एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020। नमस्कार दोस्तों, एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2020 में ट्रेड टेस्ट है, उसमें क्या क्या करवाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों ट्रेड टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका फाइनली सिलेक्शन हो पाएगा। और आज हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं, आप भी घर बैठे ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करवाया जाएगा और एसएसबी के द्वारा जो पिछली भर्ती है उसमें ट्रेड टेस्ट में किस प्रकार आपका यहाँ पर वर्क कराया गया और कैसे आप घर पे तैयारी करें ताकि आप आराम से ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाए। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कुक और वोटर कैरियर के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी तक नहीं जानते कि वोटर कैरियर का काम क्या होता है, साथ ही वोटर कैरियर है उसके ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यहां पर फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सभी का ट्रेड टेस्ट करवाया जाता है और ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाएगा इसको लेकर हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको एसएसबी भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार की लेटेस्ट अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचते रहे। तो चलो दोस्तों देखते हैं सारी जानकारी। उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया था। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कुक के ट्रेड टेस्ट के बारे में, क्योंकि दोस्तों कुक का फॉर्म काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेटों ने लगाया है और कुक के ट्रेड में यही सब चीज़ें आपसे करवाई जाएगी। पहली चीज़ दोस्तों, अगर आपने भी कुक ट्रेड के लिए अप्लाई किया है तो आप सभी को कुकिंग ऑफ चपाती और राइस चावल बनाना आपको आना चाहिए। चावल किसी भी प्रकार का हो, मीठा चावल हो या फिर आपके नमकीन चावल हो या फिर जो आपका उसके अलावा और भी कई प्रकार के जो चावल होते हैं वो आपको बनाना आना चाहिए। अगर आपको वहाँ पर उसकी विधि भी पूछी जा सकती है कि राइस है वो कैसे बनाए जाते हैं, अगर आप नमकीन राइस बनाएंगे तो वो कैसे बनाओगे। साथ ही मेन चीज़ होती है सबसे बड़ी कुक में, कुकिंग ऑफ चपाती, रोटी बनाना आपको आना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों ये काम सबसे पहले आपको आना चाहिए, अगर आप ये काम आसानी से कर लेते हैं तो आगे के काम में भी आप क्वालिफाई होने का आपका चांसेस बढ़ जाएगा। दोस्तों यहां पर मैं बता देता हूं, कुकिंग में आपके जो चपाती आपको बनानी आनी चाहिए जिसमें आपको कम से कम एक या दो रोटी का ही आपको आटा दिया जाएगा, इतना कम आटा आपको दिया जाएगा, उसको आपको गूंथना होगा, साथ ही उसी आटे से आपको दो रोटी बना के दिखानी होगी। दोस्तों इसमें क्या होता है मैनुअली, जो आपको रोटी बनानी है वो रोटी गोल होनी चाहिए, साथ ही जब आप रोटी को यहाँ पर गैस पे जब सेकते हैं तो उस समय किसी भी प्रकार से रोटी है वो जलनी नहीं चाहिए, एकदम रोटी गोल होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से जलनी नहीं चाहिए। अगर रोटी जल जाती है तो आप यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में फेल हो सकते हैं। नेक्स्ट काम होता है दोस्तों कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, सब्जियां आपको बनानी आनी चाहिए। दोस्तों जैसे सबसे पहला काम होता है, क्योंकि सभी कैंडिडेटों से सब्जी नहीं बनवाई जाती, लेकिन हो सकता है आपसे सब्जी बनवाई जाए लेकिन वो एक ग्रुप के साथ में आपसे सब्जी बनवाई जाएगी। साथ ही आपका जो इंट्री होगा उसमें आपको पूछा जाएगा कि आप कौन कौन सी सब्जी बना लेते, तो वहाँ पर दोस्तों आप जो भी है जैसे दाल फ्राई है, मटर पनीर है, साथ ही दोस्तों बात करें शाही पनीर है, कड्डी पकौड़ा है, दाल फ्राई, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, इनकी विधि आनी चाहिए कि कैसे ये बनती है। बिल्कुल दोस्तों, साथ ही दाल सांभर इडली इनका भी आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ में कुक में तीसरा और लास्ट काम करवाया जाता है वो होता है दोस्तों कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एज और खीर। खीर बनानी आपको आनी चाहिए, साथ ही जो मीट है वो आपको पकाना आना चाहिए। वहाँ पर आपसे बनवाने के चांसेस बहुत कम है मीट, पीस और एज, लेकिन उसकी विधि आपको आनी चाहिए। अगर आप विधि सही तरीके से बता रहे हैं उनको लगेगा कि हाँ ये बना सकता है तो आपको कुक के ट्रेड में आराम से पास कर दिया जाएगा। लेकिन कुक के ट्रेड में पहला काम होता है कुकिंग ऑफ चपाती, आपको रोटी बनाना सही तरीके से आना चाहिए। अगर इतना काम भी आप अच्छी तरह से कर लेते हैं आपको एसएसबी के ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों एसएसबी का जो ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर अगर बात करें तो उसमें आपको क्वालिफाई नेचर पे होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर आपके नंबर नहीं जुड़ने वाला, केवल आपको क्वालिफाई होना होगा। उसके बाद में अगर नेक्स्ट बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बात आती है वोटर कैरियर की। बिल्कुल दोस्तों वोटर कैरियर का क्या काम होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ।
अब बात करते हैं वोटर कैरियर के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, वोटर कैरियर की अगर बात करें तो वोटर कैरियर का काम क्या होता है, सबसे बड़ी बात यह जानना आपके लिए जरूरी है। अगर आपने फॉर्म फिलअप किया, अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो भी आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है, आगे भी आप किसी भी भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, वोटर कैरियर इज ए कुक, वोटर कैरियर है वो एक कुक है। बिल्कुल दोस्तों, वोटर कैरियर का जो भी काम होता है वो कुक का काम होता है और वोटर कैरियर है वो कुक का सहायक होता है। ज़्यादातर कैंडिडेट ये सोचते हैं कि वोटर कैरियर का काम होता है कि वोटर की सप्लाई करना या वोटर के चुका जो मेंटेन करना, कहाँ पर वोटर सप्लाई करनी है, ये सारे काम वो सोचते हैं कि इस प्रकार का कोई वर्क उनसे करवाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, सही और महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि जो वोटर कैरियर होता है वो एज कुक होता है और वो कुक का सहायक होता है। तो इसलिए दोस्तों, वोटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट में क्या होता है मैं बता देता हूँ। वोटर कैरियर का ट्रेड टेस्ट में काफ़ी ईजी होता है दोस्तों। यहाँ पर वोटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रही है या अप्लाई आपने किया है एसएसबी में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रोटी बनानी आनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, पहला और महत्वपूर्ण काम यही होता है। आपको कम से कम एक से दो रोटी का आटा दिया जाएगा, वो आपको गूंथ के उसी आटे से आपको एक या दो रोटी बना के दिखानी होगी, वो भी एकदम गोल होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, साथ ही किसी भी प्रकार से जलनी भी नहीं चाहिए। अगर आप वोटर कैरियर का अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, आपने इतना भी काम कर लिया, आप आराम से वोटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट में पास हो जाओगे। उसके साथ में वोटर कैरियर का काम होता है दोस्तों, जितनी भी वेजिटेबल होती है उनकी कटिंग करना, उनको काटना आपको आना चाहिए, साथ ही दोस्तों सलाद काटना भी आपको आना चाहिए। यही सारे काम है वो आपसे दोस्तों वोटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर करवाए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ, वोटर कैरियर के ट्रेड टेस्ट में जो सब्जियां काटने के साथ ही जो मसाले होते हैं जो सब्जियों में काम आते हैं, उन सभी का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। और ये नॉलेज कुक वाले कैंडिडेटों को भी होना चाहिए कि अलग अलग बहुत सारे मसाले रखे होंगे और आप सभी को उन मसालों के नाम बताने होंगे। हो सकता है दोस्तों कुछ मसाले आपने पहली बार देखे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मोटे मोटे काम काम के जो मसाले हैं वो सभी आप सभी को पता होना चाहिए। आप ट्रेड टेस्ट के लिए जा रहे हैं, उससे पहले आप घर पर तैयारी करके जाइएगा। बिल्कुल दोस्तों, कहीं बार पर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे थोड़ी बहुत भी अगर तैयारी कर लोगे आप आराम से क्वालिफाई हो जाएंगे। और दोस्तों, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा और फिजिकल जैसे आप क्वालिफाई कर लोगे, उसके बाद में अलग अलग ट्रेड का आपको एक एक वीडियो दूंगा, आप बस उतनी ही तैयारी कर लेना, आप ट्रेड टेस्ट में आराम से क्वालिफाई हो जाओगे। तो बिल्कुल दोस्तों, यही सारी चीजें करवाई जाती है। आपने कौन सी ट्रेड से फॉर्म फिलअप किया है, नेक्स्ट वीडियो में आपकी ट्रेड के बारे में भी पूरी जानकारी हम आपको डिटेल से बताने वाले। तो दोस्तों, ये थी एक मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही एसएसबी से रिलेटेड फिजिकल में क्या क्या होगा, हाइट कितनी चाहिए, वेट कितनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, इनकी पूरी डिटेल देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ जाके आप पूरी अपडेट देख सकते।